नमस्कार फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाला हूं जिस प्रोजेक्ट के बारे में, वो प्रोजेक्ट है संकेश्वर अपार्टमेंट। ये नवकार डेवलपर द्वारा डेवलप किया जा रहा है। इसका लोकेशन मलाड ईस्ट में है और ये 19 माले का टावर है और इसमें 1, 2 और 3 BHK है। आज इसी संकेश्वर अपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे इस पूरे वीडियो में। मैं विकास परनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास परनवाल में। आइए पहले मैं दिखाता हूँ संकेश्वर अपार्टमेंट का फ्लैट किस टाइप का है, कितना कंस्ट्रक्शन हो चुका है, कहाँ लोकेटेड है और इसका कंस्ट्रक्शन का स्टाइल कैसा है, फ्लैट का स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब पहले देखते हैं। उसके बाद फिर मैं साइजिंग प्राइजिंग वगैरह की बात करूंगा, कुछ इनके रेफरेंस प्रोजेक्ट के बारे में भी बात करूंगा जो उन्होंने पहले बनाया है। मैं आपको इनका बैकग्राउंड भी बताऊंगा। पहले देखते हैं इसका प्रॉपर्टी कैसा है। हाय दोस्तों, अभी जो मैं आपको फ्लैट दिखा रहा हूँ ना, 2 BHK की प्रॉपर्टी है ये। प्रोजेक्ट का नाम है संकेश्वर अपार्टमेंट। ये मलाड ईस्ट में बना हुआ है, हाईवे से बिल्कुल लग के ही है, नज़दीक ही है, हाईवे से 5 से 7 मिनट का रास्ता है। ये इसका लिविंग डाइनिंग एरिया है और ये जो मैं आपको फ्लैट दिखा रहा हूँ ये 685 स्क्वायर फुट इसका कारपेट एरिया है। ये आपको मलाड ईस्ट में संकेश्वर अपार्टमेंट नवकार डेवलपर। नवकार का अपना एक बहुत ही बढ़िया नाम है इसका, इस बिल्डर का। काफ़ी सारा प्रोजेक्ट इन्होंने डेवलप किया है मलाड से लेके अंधेरी तक। इसके लिए मैं ये जो, और इसका प्राइस काफ़ी बढ़िया है, प्राइस वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो वहाँ से आप समझ सकते हैं क्या रहेगा। ये इसका किचन है, किचन भी कितना स्पेशियस है आप देख सकते हैं। बहुत रेयर बिल्डर इतना स्पेशियस किचन वगैरह देते हैं। और 19 माले की बिल्डिंग है ये, 9th स्टोरी टावर है। ये इसका पैसेज है, अभी हमने किचन देखा। किचन से जब आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आपको कॉमन वॉशरूम मिलता है। कॉमन वॉशरूम भी प्रॉपर एक स्पेस दिया है इन्होंने। इसमें एक छोटा फ्लैट भी है, 2 BHK का कारपेट एरिया, उसका 500 स्क्वायर फुट है, तो वो आपको इससे काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। मैं आपको ये पहला बेडरूम दिखा रहा हूँ जो कि मास्टर बेडरूम है, उसके बाद फिर मैं दूसरा बेडरूम आपको दिखाता हूँ। ये मास्टर बेडरूम इसका काफ़ी बड़ा स्पेसियस है। जनरली इतना बड़ा बेडरूम बिल्डर नहीं बनाते हैं। अभी मैं कितना, ये जो स्पेसियस की बात कर रहा हूँ ना एग्जैक्ट, अभी मैं कैमरे में आपको समझ आए या नहीं आए ये तो आप एग्जैक्ट आके देखेंगे तो आप इसका साइज समझ पाएंगे जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे। ये इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। और अभी इसका दूसरा बेडरूम मैं दिखाता हूँ जो दूसरा कॉमन बेडरूम है। इसका जो पैटर्न है ना वो इसी टाइप का ही है। तो ये जो हर एक प्रोजेक्ट का मैं आपको वीडियो लेके आता हूँ ना, इससे आपके माइंड में एक चीज़ क्लियर हो जाता है कि फ्लैट का कंसेप्ट क्या है, क्या इसका डायरेक्शन वगैरह, पैटर्न वगैरह क्या है, तो आपको समझना बहुत आसान हो जाता है कि फ़्लैट आपके चॉइस का है तो ख़रीदने के लिए आप हमें फ़ोन करें, फिर हम आपको परचेस करने का पूरा प्रोसेस क्या होता है, कैसे नेगोशिएशन करते हैं, कैसे बॉटम प्राइस में डील करते हैं, वो सारे प्रोसेस में हम आपको हेल्प करते हैं कि फ़ाइनल प्राइस क्या होता है, बिल्डर का आस्किंग प्राइस क्या होता है, वो आपको पता नहीं होता है दोस्तों। इसमें आपको मैं और हमारी टीम पूरी हेल्प करती है। कुछ भी डिटेल भी चाहिए ना तो भी आप हमें फ़ोन करें, परचेस करना हो तो फ़ोन करें, डिटेल भी चाहिए तो भी आप हमें फ़ोन करें। हम लोग बिल्डर के पेरोल पे ही काम करते हैं तो आपको कोई भी चार्जेस अलग से पे करना नहीं पड़ेगा। ये इसका पैसेज है और ये पूरा का पूरा बिल्डिंग का एलिवेशन है।
जिसमें इसका रेरा नंबर दिया हुआ है। रेरा नंबर के थ्रू भी आप देख सकते हैं। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी चलता हूँ, इसका दूसरा फ्लैट दिखाता हूँ। कुछ भी डिटेल चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, आप वहाँ से ले सकते हैं और फ़ोन करें। कुछ भी समझना हो, कुछ भी जानना हो तो फ़ोन करें आप। अभी जो मैं फ्लैट दिखा रहा हूँ ना, संकेश्वर अपार्टमेंट का, बाय नवकार डेवलपर, मलाड़ी ईस्ट, 19th स्टोरी टावर है ये। इसका ना 1-1 का जोड़ी बनाया हुआ है, ये बीच से ये वॉल निकाला हुआ है, जो आप कॉलम देख रहे हैं यहाँ पे निकाला हुआ है। तो 1-1 का जोड़ी जो इनका बनता है, ये काफ़ी अच्छा इसका मैच दिया हुआ है। प्रॉपर स्क्वायर में आपका फ्लैट बन जाता है। ये मैं आपको वन साइड से दिखा रहा हूँ, एक साइड में आपको फ्लैट दिखाता हूँ, जस्ट इसके मिरर दूसरा साइड है। तो आप वन साइड देखें, आप समझ पाएंगे कि 1-1 का जोड़ी किस टाइप का बनने वाला है। ये इसका कॉमन वॉशरूम है, कॉमन वॉशरूम है। और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ कॉमन वॉशरूम पर। जब आगे आप आते हैं तो 1-1 का जोड़ी आप जब बनाते हैं तो दो किचन तो आप रखेंगे नहीं, तो आपको वो 3 BHK बन जाता है। या ये कह सकते हैं एक किचन अगर थोड़ा छोटा हो तो 2.5 BHK बन जाता है, जिसमें दो आपको मास्टर बेडरूम मिल जाता है और एक हाफ जो किचन है, किचन को भी, ये किचन एरिया है जो आप देख रहे हैं, लेकिन ये 1-1 का जोड़ी बना दिया है तो एक किचन उस तरफ रहेगा, दूसरा किचन को भी हाफ बेडरूम में कन्वर्ट कर दिया है। इसमें प्लेटफॉर्म इन्होंने नहीं लगाया है। तो 1-1 का जोड़ी हो या 2-2 का जोड़ी हो, तो 1-1 का जोड़ी जब टूटता है तो 3 BHK बनता है, और 2-2 का जोड़ी जब बीच का वॉल निकालते हैं तो वो 4 BHK की फ्लैट ना बन के वो 5 BHK बन जाता है, क्योंकि किचन भी एक बेडरूम में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे काफ़ी सारे प्लान्स आपको देखने को मिलता है। तो ये मैं वन साइड का 1 BHK आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि फ्लैट का पैटर्न क्या है। डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं और फ़ोन करें। कुछ भी और डिटेल जानना हो, 19 माले का टावर है ये। वैसे तो जो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको वीडियो में दे रहा हूँ, और भी कुछ डिटेल जानना हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर फ़ोन करें, मैं और मेरी टीम पूरी हेल्प करेंगे आपको। डिटेल भी जानना हो तो भी, प्रॉपर्टी अगर परचेस भी करना हो तो भी आप हमें फ़ोन करें, ये दोनों परिस्थितियों में हम आपकी हेल्प करेंगे। प्रॉपर्टी दिलाने में, डिटेल समझाने में, हम लोग बिल्डर के पेरोल पे ही काम करते हैं, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए। ये इसका किचन है, उस तरफ आपने देखा कि किचन को इन्होंने ब्रेक कर दिया था प्लेटफॉर्म को, और 1 BHK 1 BHK की जोड़ी इन्होंने पेयर कर दिया है। तो ये इसका किचन का कंसेप्ट है प्लेटफॉर्म का, उसके बाद ये मास्टर बेडरूम है। ये इसमें 3 BHK आपको बन जाता है जब आप 1 और 1 BHK को तोड़ के एक कर देते हैं। तो ये मैं विंडो के साइड से आपको पूरा बेडरूम दिखा रहा हूँ, वॉशरूम दिखा रहा हूँ। अभी ये मैंने आपको 1 BHK 1 BHK की जोड़ी दिखाया, काफ़ी बड़ा वास्ट हो जाता है ये, काफ़ी बड़ा फ्लैट हो जाता है ये दोनों को तोड़ के जब आप एक करते हैं। 19 माले का टावर मलाड ईस्ट में, संकेश्वर अपार्टमेंट बाय नवकार डेवलपर। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप फ़ोन करें। कुछ भी और भी डिटेल जानना हो तो दोस्तों, ये नवकार जो मैं आपको संकेश्वर टावर के बारे में बता रहा हूँ, ये बिल्डिंग उसका इतना रेडी हो चुका है एलिवेशन इसका, और ये इसका एंट्रेंस लॉबी है, बट अभी पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ है। मैं आपको एक अंदाज़ा दे दूं कि यहाँ पे कितना बिल्डिंग बन चुका है। ये इसका मेन एंट्री है जहाँ से आप प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं। पीछे इसका पार्किंग दिया हुआ है पोडियम, और ये सामने से इसका एलिवेशन है दोस्तों।
अभी जो मैंने संकेश्वर अपार्टमेंट का आपको बताया लाइव की क्या बना हुआ है, इनके कुछ बैकग्राउंड बात करें तो नवकार अदिति सीएचएस अंधेरी वेस्ट, नवकार मधुबन सीएचएस, नवकार नैनो होम्स, नवकार सिटी फेस 1 और 2, इन्होंने कुछ अलग अलग लोकेशन में प्रोजेक्ट डेवलप किया है और अच्छा इनका नाम है, उसके बेस पे ही मैं इसका मार्केटिंग कर रहा हूँ। इस प्रोजेक्ट की बात करें तो 1/2 एकड़ का लैंड एरिया है, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, 19 माले की बिल्डिंग है, 2 विंग की सोसाइटी है ये, हर एक फ्लोर पे 3 फ्लैट, 4 लिफ्ट और 1 स्टेयरकेस है, ग्राउंड 2 थर्ड लेवल इसका पोडियम पार्किंग है बैक साइड से, एमिनिटी ग्राउंड एंड रूफटॉप पे है, रेसिडेंशियल इसका स्टार्ट हुआ है 1st लेवल से फ्रंट साइड से, और रेरा में कुछ इसका आप डिटेल देखना चाहते हैं तो रेरा नंबर है P518006116। इस रेरा नंबर के थ्रू आप प्रोजेक्ट रिलेटेड सब कुछ डिटेल आप रेरा के वेबसाइट पे देख सकते हैं, और कोई भी प्रोजेक्ट खरीदने से पहले कोई भी प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी आप एक बार जरूर रेरा के वेबसाइट पे जाके देखें। अगर ब्राउजर पे रेरा नंबर है तो जरूरी नहीं है कि वो रेरा नंबर सही है, एक बार रेरा के वेबसाइट पे जरूर जाके विजिट करें, 15-20 मिनट का टाइम निकाल के वहाँ पे सारा कुछ डिटेल आपको पता चल जाता है, कुछ कॉम्प्लिकेशन अगर प्रोजेक्ट रिलेटेड रहता है तो, जहाँ पे प्रोजेक्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो वहाँ पे बिल्कुल आप पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करें, नहीं तो आपका पैसा डिप्रिसिएट हो जाता है, फंस जाता है, काफी कंस्ट्रक्शन में फंसे हुए हैं। रेरा में इसका पोजीशन दिसंबर 2023 में है, बिल्डर का पोजीशन अक्टूबर 2023 में दे देंगे, बिफोर 3 मंथ दे देंगे, बिकॉज आजकल ऐसा हो गया ना कि बिल्डर को 4-6 महीने का 1 साल का एक्स्ट्रा परमिशन लेके चलना पड़ता है, क्योंकि अगर वो टाइम एक्सटेंड करते हैं या डिले करते हैं तो उनको रेरा को पेनाल्टी देना पड़ता है, अभी बिफोर टाइम ही बिल्डर सबको पोजीशन दे रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं। सीसी इसका पूरे बिल्डिंग का रिसीव्ड हो चुका है, ओपन व्यू एंड सिटी व्यू इसका व्यू है चारों साइड से फ्लैट का, आप देखें तो लोकैलिटी इसमें ज्यादातर हिंदू है, मल्टीपल बैंक से अप्रूव्ड किया हुआ है, SBI, HDFC, एक्सिस, LIC, किसी भी बैंक से आप ले सकते हैं लोन, जहां पे भी आपका सर्विस अकाउंट हो, बिजनेस अकाउंट हो। कॉन्फ़िगरेशन में इसमें 1 BHK, 2 BHK एंड 3 BHK, 3 टाइप का फ्लैट है। 1 BHK का कारपेट एरिया 375, 411 एंड 432, यानी 375, 411 और 432 स्क्वायर फुट का 3 टाइप का 1 BHK है। पार्किंग के साथ इसका प्राइस 90 लाख टू 1.15 CR, यानी 90 लाख से 1 करोड़ 15 लाख के बीच में इनका 1 BHK का प्राइस है, जो पार्किंग के साथ आपको मैं बता रहा हूँ। 2 BHK का इसका 485, 629 एंड 685, मतलब छोटा जो साइज है वो 485 स्क्वायर फुट का है, उससे बड़ा 629 स्क्वायर फुट का है, उससे बड़ा 685 स्क्वायर फुट का है, जिसका स्टार्टिंग से 1 करोड़ 20 लाख से लेके 1 करोड़ 90 लाख के बीच में ये तीनों का प्राइसिंग है, और इसमें एक कार पार्किंग आपको दिया जा रहा है। 3 BHK 832 स्क्वायर फुट का है, जिसका प्राइस 1 करोड़ 90 लाख से लेके 2 करोड़ 20 लाख है, इसमें भी आपको एक कार पार्किंग दिया जा रहा है। एक्स्ट्रा अगर आप पार्किंग लेना चाहते हैं तो उसका 6 से 7 लाख रुपए की कीमत है। दोस्तों अब ये प्राइसिंग मैं आपको बताया हूँ ना, टेंटेटिव प्राइसिंग बताया हूँ, ताकि आपका माइंड का कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि क्या प्राइस में यहाँ पे प्रॉपर्टी आने वाला है। एक्चुअल आपको फाइनल प्राइस जानना है या बुकिंग करना है या डिटेल भी जानना है तो आप हमें फोन करें, हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन पे हम आपको पूरा डिटेल आपको देंगे, उसके बाद फिर हम आपको प्रॉपर्टी परचेस करने में हेल्प करेंगे। दोस्तों अब ये तो मैंने आपको प्राइस बताया, इसके ऊपर स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST, अदर चार्जेस वगैरह लगेगा। एमिनिटीज इस प्रोजेक्ट में लाइब्रेरी रूम, ओपन स्काई थिएटर, योगा जोन, जॉगिंग ट्रैक, चिल्ड्रन प्ले एरिया, इंडोर गेम्स, सीनियर लेजर जोन, स्विमिंग पूल, जिम्नासियम, ये 1300 स्क्वायर फुट का इसका फुल्ली इक्विप्ड जिम्नासियम है इसका। तो ये तो आपको मैंने प्रोजेक्ट रिलेटेड बताया डिटेल। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉपर्टी और प्रोजेक्ट के इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।